चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी, चेहरा मासूम जिया नी तेरे दिल च शैतानी, मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गाले वाली ही गानी, मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गाले वाली ही गानी। Hi guys, welcome back to my channel Makeup Lover Sejal. मैं हूँ सेजल और आज मैं आप सबके सामने दिखाने वाली हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। सो काफी दिनों से आप सब मुझे बोल रहे थे कि वेडिंग गेस्ट लुक देखना है आपको, ब्राइडल लुक देखना है। सो ब्राइडल के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज पहले हम तो शादियों में जाते हैं फिर शादी करते हैं। सो पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल गोल्डन ब्लू गाउन जो हम वेडिंग्स में पहन कर जा सकते हैं एंड मैंने उसे जस्ट वेयर किया एक ईयरिंग के साथ। सो मैंने आई लुक भी एकदम ग्लिटरी वगैरह रखा हुआ है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और भी ऐसे कुछ अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल बटन को भी क्लिक कर लेना। आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मॉइस्चराइजर लगाने से। मैं यूज करने वाली हूँ स्टूडियो वेस्ट मरीन हाइड्रा क्वेंच फेस लोशन। दिस इज डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड एंड पैराबेन फ्री। ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, लाइक अभी मुझे यूज करते हुए काफी दिन होकर मैं अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। सो नेक्स्ट हम लगाएंगे प्राइमर। सो प्राइमर इसलिए यूजफुल होता है बिकॉज जो भी पोर्स होते हैं वो थोड़ा फिल इन हो जाता है, प्लस फाउंडेशन के पहले आपका बेस एकदम स्मूथ हो जाता है, उसके लिए हम प्राइमर लगाते हैं। मैं यूज करने वाली हूँ एले गर्ल प्रो प्रेप एच डी हाई डेफिनेशन स्मूदिंग फेस प्राइमर। सो ये फोटोज में काफी अच्छा आता है। सो नेक्स्ट हम लगाएंगे फाउंडेशन। सो क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है, क्योंकि हम गेस्ट जब भी जाते हैं तो ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स के लिए रहते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हमारा मेकअप थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहे प्लस फुल कवरेज फाउंडेशन हो। सो आज फाउंडेशन के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मैक स्टूडियो फिक्स फ्लूइड SPF 15 फाउंडेशन और ये शेड है NC20। सो क्योंकि ये पम्प फाउंडेशन नहीं है तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने अपने ब्यूटी सेंटर हॉल में आप सबको दिखाया था, ये सिर्फ 50 रुपीज। सो मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करूंगी। सो आप अपने नेक एरिया को बिल्कुल भी मत भूलो और प्लस अपने ईयर्स को भी। एंड आप देख सकते हो इस फाउंडेशन की फिनिश बहुत अच्छी होती है। इसमें अपने अंडर आईज को करूंगी कंसील। सो आज कंसीलर के लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेरा स्विस ब्यूटी का कवर स्टूडियो पैलेट, ये भी आपने मेरे ब्यूटी सेंटर हॉल में देखा होगा। मैं ये फर्स्ट शेड लेने वाली हूँ अपने अंडर आईज को कंसीलर हाईलाइट करने के लिए, बस ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर से ले लूंगी और ऐसे पैट कर लूंगी। इससे मैं अपने आईलेट्स भी प्राइम कर लूंगी। सो यस, मेरी अंडर आईज बहुत अच्छे से कंसील हो गई है। सो कंटूरिंग के लिए मैं ये वाला शेड यूज करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं लूंगी लार्ज फ्लैट ब्रश। सो बस ये शेड लेकर ऐसे कट से बहुत अच्छा शेप आ जाता है आपके नोज पर। सो नेक्स्ट मैं करूंगी अपने अंडर आईज और कॉन्ट्रोर को सेट। उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ मार्स का हाइलाइटर एंड कॉन्ट्रोर पैलेट। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पैलेट एंड ये पाउडर शेड्स है। सो मैं अंडर आईज को सेट करने के लिए ये दोनों शेड मिक्स करके यूज करने वाली हूँ बिकॉज ये मेरा परफेक्ट स्किन टोन है और ये थोड़ा हाईलाइटिंग शेड हो सकता है, व्हाइट पाउडर है। सो आप लोग देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली सेट कर रहता है। कंटूरिंग के लिए मैं ये वाला शेड यूज करूंगी बिकॉज इट्स अ परफेक्ट कंटूर शेड फॉर माय स्किन टोन। सो डस्ट ऑफ द एक्सेस।
सो यू कैन सी कितना अच्छा वार्म्थ आपके फेस पर मिल रहा है। करूंगी अपने आईब्रोज। सो आईब्रो के लिए मैं यूज करने वाली हूँ Maybelline New York का फैशन ब्राउ क्रीम पेंसिल राउंड। दिस इज हाउ इट लुक। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी ब्लश और हाइलाइटर। उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ मेरा फेवरेट Sivana Colors अल्ट्रा ब्लश पैलेट। एंड ये सेकेंड शेड बहुत प्यारा सा पीची कोरल पैलेट है। ये अल्ट्रा ब्लश पैलेट का नंबर है 01। मैं लगाऊंगी ये वाला हाइलाइटर शेड। सो इट्स अ वेरी प्रिटी सटल हाइलाइट बट यू कैन बिल्ड। मैं अपने ब्राउ बोन पर भी लगा लूं। Now we can definitely move to our eyeshadow. So eyeshadow के लिए मैं use करने वाली हूँ। मैंने अभी newly इसे भी खरीदा है, मैंने आप सबको अब तक दिखाया नहीं है। But this is Gina Glam HD Ultimate Shadow Palette. This is in the shade number 02. ये eyeshadow palette मैंने अपने आसपास के जो makeup store होता है, Lovely Beauty Center नाम है उसका, उधर से लिया है। This is just for rupees 450. So मैं सबसे पहले use करने वाली हूँ ये वाला shade as my transition shade. एंड इसके बाद मैं ये वाला शेड भी लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा ओम्ब्रे इफेक्ट हो मेरे आईलेट पर। थोड़ा थोड़ा सा ही लूंगी बिकॉज इट इज वेरी पिगमेंटेड एज यू कैन सी। इसका कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा, आप लोग देख सकते हो, इट लुक्स रियली रियली ब्यूटीफुल। नेक्स्ट मैं लूंगी ये वाला ब्राउन शेड एंड इसे मैं थोड़ा सा लोअर लिड पर लगाऊंगी। मैं थोड़ा सा इसको प्री साइज ऐसे क्रीज टाइप बनाना चाहती हूँ तो मैं इसी का जो ब्रश इसके साथ आता है उससे बना लूंगी। और एक क्लीन ब्रश से दोनों भी ब्लेंड कर लूंगी बिकॉज मुझे कुछ हार्श लाइंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट में लगाऊंगी ग्लिटर शेड। तो जैसे कि आपने मेरे ब्यूटी सेंटर हॉल में देखा था, मैंने ये SFR का आइस ग्लिटर पैलेट यूज किया। ये काफी प्रिटी शेड्स है गाइस एंड इट्स जस्ट फॉर 160 रुपीज। सो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप जाकर वो ब्यूटी सेंटर हॉल देखो, सब कुछ इतना अफोर्डेबल है। सो मैं ये वाला शेड लेने वाली हूँ और अपने इनर क्रीज में लगाऊंगी। और ये एक बाम बेस में है, लाइक ये पाउडरी वाला नहीं है बट बामिश है। और बस मिडल लिड पर थोड़ा सा ये येलो ग्लिटर ऐसे ऐसे डैप कर लूंगी। सेम ब्राउन शेड में अपने लोअर लिड पर भी स्मज कर लूंगी बिकॉज इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू बैलेंस आउट हर आईज। और ये वाला शेड अपने इनर कॉर्नर पर लगा लूंगी। नेक्स्ट मैं लगाऊंगी काजल। सो उसके लिए यूज करने वाली हूँ स्टूडियो वेस्ट का मेरा प्योर पैशन इंटेंस काजल। और इसे टाइट लाइन भी कर लूंगी। टाइट लाइन करना मुझे बहुत डर लगता है, मुझसे बहुत आसानी से नहीं होता। सो एज यूजुअल मैं अपना आईलैश कॉलर से कर्ल कर लूंगी एंड मस्कारा लगा लूंगी। दिस इज Maybelline लैश सेंसेशनल फुल फैन इफेक्ट मस्कारा। सो आपको ग्लिटर से संभाल के थोड़ा सा ये लगाना है। जैसे कि आप सबको पता है मैं फॉल्स आईलैशेस नहीं लगाती हूँ तो आई विल पुट गुड 2-3 कोट्स ऑफ मस्कारा। अगर लाइनर भी लगाते हो आप तो बहुत अच्छा लगेगा बट आई एम नॉट अ लाइनर पर्सन। सी आप मैंने सिर्फ अपना जो आई शेडो थोड़ा सा ब्लैक आउट थोड़ा सा उसे ऐसे विंग टाइप निकाल दिया है ताकि थोड़ा आई लाइनर लुक लगे। फॉल्स आई लैशेज ऑफकोर्स इससे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है अगर मैं लगाती तो, बट मैं नहीं लगाती हूँ।
आप या फिर एक पिंक शेड पर जा सकते हो जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, या फिर आप एकदम न्यूडिश शेड इस पे जा सकते हो। यू कैन ऑल्सो वेयर रेड्स इन दिस, इट्स जस्ट द वे कि आप कैसे कैरी कर सकते हो आपका आउटफिट एंड एवरीथिंग। मैं सबसे पहले न्यूड शेड लगाऊंगी इसका, ऑल टाइम प्रो मैट लिप क्रेयॉन इन द शेड स्पाइस लाटे 22। सो ये कलर भी काफी प्यारा लग रहा है, कि आई शैडो से मैच हो जा रहा है ये लिपस्टिक और क्यूट लग रहा है। बट देन मैं थोड़ा सा इसे बोल्ड करना चाहती हूँ, सो मैं यूज करने वाली हूँ मेरा CAL का मैट लिपस्टिक इन द शेड 06। सो ब्लू कलर पे पिंक लिपस्टिक वगैरह बहुत अच्छा जाता है, तो इसलिए मैंने आज पिंक ऑप्शन के लिए गई हूँ। So this is how my outfit is and this is how I look. Now, मैं ये earrings पहन लेती हूँ। So I hope आप सबको ये makeup look पसंद आया होगा। And अगर आपको पसंद आया तो please like this video. और अगर आपके कोई भी video suggestions हो गए तो आप मुझे comment section में लिखकर बता सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सबके लिए create करना। Like this video and subscribe to my channel. And I'll see you in my next video. Till then, take care and be happy. Bye.